ब्लॉग। तो गाइस हम लोग अभी नवाबों के शहर में है और गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं पराठा और कबाब खाने। और पराठा और कबाब इतना टेस्टी है कि और आप लोग को बनाते हुए भी दिखाएंगे। तो गाइस वो पराठा और कबाब बहुत मशहूर है, तो चलो चलते हैं। गाइस अभी हम लोग पराठे और कबाब के दुकान में और आपको मैं पराठे और कबाब के कबाब कैसे बना कैसे बनाते हैं। पराठे बन रहे हैं, ये पराठे बन रहे हैं। गाइस यहां पे अभी कबाब बन रहा है और वहां पे पराठा बन रहा है। और ये कबाब किससे बनता है? ये तो कबाब बन रहा है, देखो कोयला में तप रहा है, देख रहे हो ना। कितना टाइम लग जाएगा बनने में? ये 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट लगते हैं। कितने रुपए का एक कबाब आ जाता है? 8 रुपए का। 8 रुपए का 50 की से। अच्छा, का पराठा जल्दी बन चुका है। पराठा पहले बन रहा और कबाब अभी तक बन रहा है। ये पराठे में 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट बन जाते हैं। और ये जो टिकिया कबाब है इसमें कितना टाइम लगता है बनने में? भी 5 मिनट है। दोनों इसको क्या बोलते हैं? शामी कबाब। शामी कबाब और वो सीख कबाब। सीख कबाब भेजा दी आ रही है। भाई लगाओ इनको कबाब पराठा खिलाओ। लगा एक पर एक कबाब पराठे लगा भाई को। यहाँ पे 10 साल हो गए भाई। 10 साल काम कर रहा है। हाँ जी जी, ये हमारी दुकान के मैनेजर हैं मोहम्मद सईद भाई। दिन भर में 500 पराठे सेल कर देते हैं भाई। और कबाब? कबाब तो बेगिनती है भाई, कोई गिनती नहीं है इसका। कोई गिनती नहीं है इसका। तो गाइस आपको हम अभी पराठा और कबाब खा के दिखाते हैं और किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है। ये चल रहा है भाई गरम गरम, ये अपना शामी कबाब। खा के देखो। कैसा है ये? ठीक है। तस्वीर उतर गई। तो भाई यहाँ पे सीख कबाब बहुत टेस्टी लग रहा है आपको। तो भाई यहाँ का जो कबाब और पराठा है ना बहुत टेस्टी है। अंकल दोनों में से कौन सा कबाब अच्छा है? बंजारा अच्छे में तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन बंकबाब ज्यादा अच्छा है। बंकबाब हाँ, सीख कबाब इनको पसंद है, मुझे बंकबाब पसंद है। अपना अपना सबका चॉइस होता है ना। प्लेट रेडी करने सब जल्दी बन किसका है? दो कबाब दो पराठे मुझे। एक मिनट डालो।